गुरु नानक जी की जमीन पर आज हम उनकी याद करते हैं। गुरु नानक जी ने सिर्फ पंजाब को नहीं पूरे देश को प्यार और भाईचारे का रास्ता दिखाया था, और आज देश में जो माहौल बना है, जो नफरत, जो क्रोध फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ गुरु नानक जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी। उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान में प्यार भाईचारा हो और सब लोग मिलकर एक साथ प्यार से रहें, तो एक प्रकार से उनकी सोच पर आक्रमण हो रहा है, और वो सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो सच्चे मुद्दे हैं उनके बारे में काम नहीं किया जा रहा है, और हिंदुस्तान की जनता को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े वायदे किए थे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, पूरी मदद करने का वायदा। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी रोजगार देने का काम कर रहे हैं, यहां जो उद्योग बंद हो गए थे वो खुल रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट पंजाब में खुलने जा रहा है। मगर बाकी हिंदुस्तान में आप देखें, कहीं भी जाके आप पूछें, युवाओं से पूछें, भैया क्या करते हो, वापस जवाब मिलता है कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों का माफ किया है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सबसे अमीर उद्योगपति हैं, नाम आप जानते हो, मगर हिंदुस्तान के किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर सकता। भाषण देते हैं, किसान की बात करते हैं, सही दाम देने की बात करते हैं, मदद करने की बात करते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने 1 किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कर्नाटक में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, हर प्रदेश में हमने किसान का कर्जा माफ किया, और चुनाव हुआ अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, और हमने वहां भाषण में, जैसे हमने पंजाब में कहा था, वहां हमने भाषण में कहा कि देखिए पैसे की कोई कमी नहीं, अगर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ होगा, और कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती है। इन प्रदेशों में बीजेपी के नेताओं ने कहा जुमला है, कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ नहीं कर सकती है। मैंने अपने भाषणों में कहा था 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तीनों सरकारें किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगी। और जो अमरिंदर सिंह जी यहां कर रहे हैं, तीनों प्रदेशों ने 2 दिन के अंदर सिर्फ किसानों के नहीं, मगर जो खेत से काम करते हैं मजदूरों सबको कर्जा माफी करके दी, 1000 करोड़ रुपए। और आज मुझे अमरिंदर सिंह जी बता रहे हैं
मदद करने की बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, हर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हैं, मगर अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि पंजाब का 31,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार पंजाब को वापस नहीं लेना चाहती। सरकार बदलने से कुछ ही दिन पहले पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के साथ सौदा किया और जो आपका पैसा है, पंजाब के किसानों का, पंजाब के युवाओं का पैसा, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार है। मगर वही प्रधानमंत्री राफेल मामले में अपने मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए 5 मिनट में दे सकता है। पूरा देश जानता है राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को मिलना था, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज, रेट तय किया गया था यूपीए सरकार, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, स्वयं बदला, और जो नेगोशिएटिंग टीम है उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बदला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दाम बढ़ाया और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाला। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, मिग हवाई जहाज, जैगवार हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज इन्होंने बनाए, हिंदुस्तान की रक्षा करी। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, एक हवाई जहाज नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले उसकी कंपनी खुलती है, और 30,000 करोड़ रुपए का फायदा उसको मिल जाता है। पंजाब से 31,000 करोड़ रुपए लेते हैं जो किसानों का पैसा है, युवाओं का पैसा है, 2 मिनट में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। पंजाब ने क्या गलती की है, पंजाब के किसानों ने क्या गलती की है, पंजाब के युवाओं ने क्या गलती की है, पंजाब की महिलाओं ने क्या गलती की है? ये आपका पैसा है, नरेंद्र मोदी जी को आपका पैसा एकदम वापस कर देना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को देश को समझाना चाहिए, देश को समझाना चाहिए कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, राफेल कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बदला, फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसे साफ कहा कि राफेल हवाई जहाज फ्रांस का हवाई जहाज खरीदना है तो फिर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा। अलग अलग भाषण होते हैं, पहले कहते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, नया नारा चला है आजकल। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब कहते हैं चौकीदार चोर। डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज देरी में आ रहा है, और
भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राफेल हवाई जहाज समय पे नहीं आया। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अनिल अंबानी की मदद करने की कोशिश की। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पैरेलल नेगोशिएशन किया और आपने एयरफोर्स के पायलट से एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए छीना। वो देश की रक्षा करते हैं। पाकिस्तान में जाकर बम गिराते हैं, शहीद होते हैं और आप उनकी जेब में से पैसा निकालकर अनिल अंबानी को देते हो और ये सच्चाई है। डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हिंदू अखबार ने प्रिंट किए हैं, जाके पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले पे पैनल नेगोशिएशन किया, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया और 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाला। और जहां जाते हैं देशभक्ति की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, एयरफोर्स के शहीदों से क्यों छीने। और अगर आपको नहीं समझाना चाहते तो मेरे सामने आ जाए, 15 मिनट मेरे साथ डिबेट कर ले, टेलीविजन कैमरा के सामने कर ले, मीडिया के सामने कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरे देश को पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी ने क्या किया। ₹15 लाख का वायदा किया था। यहां पे कोई है जिसके जेब में 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी ने डाले? कोई एक व्यक्ति है? पंजाब के किसानों से कहा था आपकी रक्षा की जाएगी। यहां कांग्रेस की सरकार पूरा दम लगा रही है, कर्जा माफ कर रही है, उधर आपके बोनस छीना जाता है। पूरे देश में आप बीमा का पैसा भरते हो, आपका पैसा है। नुकसान होता है, आंधी आती है, ओला गिरता है, आपका पैसा पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी के जेब में जाता है। बिस्किट बांट रखे हैं, अनिल अंबानी को बिस्किट दे रखे हैं, अलग अलग बिजनेसमैन को बिस्किट दे रखे हैं और सिर्फ किसानों के पीछे नहीं पड़े, इंडस्ट्रियल सेंटर है लुधियाना, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, आप लोग रोजगार दिलवाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपने मनमोहन सिंह जी की बात की, पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी खड़े होते हैं कहते हैं 2% जीडीपी का नुकसान कर दिया जाए। पता लगता है कि 2% जीडीपी का नुकसान नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक कदम से किया, पूरा पूरा इंफॉर्मल सेक्टर खत्म कर दिया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आप सब लोगों को खड़ा किया बैंक के सामने, आप थे खड़े, खड़े थे बैंक के सामने, आप लोग खड़े थे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक के सामने नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था, विजय माल्या खड़ा था, अनिल अंबानी खड़ा था, अदानी खड़ा था ना? पंजाब की महिलाएं, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब खड़े थे। मोदी जी कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लाइन में काले धन वाले लोग क्यों नहीं दिखाई दिए? वो सब के सब बैंक के पीछे एसी कमरे में बैठे थे, अपना काला धन उन्होंने सफेद करा, नरेंद्र मोदी जी ने मदद की।